रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए अन्य यूरोपीय और पश्चिमी देश अपनी डिफेंस योजनाओं को मजबूत करने में लगे हैं। दरअसल रूस यूक्रेन पर तो हमले कर ही रहा है, इसके साथ ही उसने यूक्रेन के मददगारों पर भी हमले और घुसपैठ के प्रयास किए हैं। ऐसे में माहौल को देखते हुए जर्मनी ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया है। जर्मनी की सेना ने बुधवार को अपनी धरती पर पहला आयरिस टी एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है। इनमें से कई को यूक्रेन की मदद में लगाया गया है, जो रूसी रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों को रोकने का काम करते हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि सतह से हवा में मार करने वाला ये सिस्टम जर्मन और यूरोपीय डिफेंस के निर्माण का हिस्सा है। इस सिस्टम को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा 2022 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद शुरू किया गया था। स्कोल्स ने कहा कि रूस कई सालों से बड़े पैमाने पर फिर से हथियार इकट्ठा कर रहा है, खास तौर से रॉकेट और क्रूज मिसाइलों की रीआर्मिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने डिसआर्मिंग संधियों को तोड़ा है। बर्लिन से लगभग 530 किलोमीटर दूर स्थित एक्सक्लेव कैलिनिनग्राद तक मिसाइलें तैनात किया है। चांसलर ने कहा कि रूस के इस कदम पर उचित प्रतिक्रिया देनी होगी, लापरवाही करने से शांति को खतरा होगा। जर्मन सेना ने आयरिस TSLM सिस्टम बनाने वाली कंपनी को 6 सिस्टम का ऑर्डर दिया है। ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम उसे मई 2027 तक डिलीवर किए जाएंगे। अमेरिका के बाद यूक्रेन को सैन्य सहायता देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश जर्मनी पहले ही यूक्रेन को 4 आयरिस TSSM सिस्टम दे चुका है और 8 सिस्टम और देने का वादा किया है। यूक्रेन को दिए गए आयरिस टी सिस्टम में ट्रक पर लगे लॉन्चर 40 किलोमीटर दूर तक हवाई खतरों को रोकने के लिए मिसाइल दागते हैं। इन एयर डिफेंस सिस्टम ने अब तक कई रॉकेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है और बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचाई है। इस बीच एक खबर ये भी है कि 5 सितंबर की सुबह ही बेलारूस की सेना ने 2 रूसी ड्रोन को मार गिराया है। मॉनिटरिंग ग्रुप बेलारसियन हाजुन के अनुसार ड्रोन को यूक्रेन के चारनिहाइव ओब्लास्ट की सीमा से लगभग 35 किलोमीटर दूर गिराया गया। इससे पहले बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 9 अगस्त को दावा किया था कि बेलारूस के ऊपर कई यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए और उन्होंने इस घटना को यूक्रेनी उकसावा कहा था, लेकिन बेलारूस के हाजुन ने इस दावे को झूठा बताया और किसी भी यूक्रेनी ड्रोन का पता नहीं चला है। अगर यूक्रेन की मदद करने वाले सभी देश जर्मनी की तरह ही कड़ा रुख अपना लिए तो रूस की मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके लिए युद्ध में मजबूत स्थिति पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा।